हैव ऑलरेडी सीन द ज्वेलरीज. तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जूरी बीइंग अ जूरी मेंबर किस किन क्राइटेरिया को ध्यान में रख के यू नो ज्वेलरीज को जज किया है. सबसे पहले तो ज्वेलरी नहीं लेकिन जूरी मेंबर कहीं भी बनना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मेरे करियर में मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसे जूरी पैनल्स रहे हैं जहाँ जब मुझे चुना नहीं गया मुझे बहुत गुस्सा आया मेरे जूरी पे कि क्यों मुझे चुना नहीं गया. बहुत हार्डवर्क होता है, सब लोग मेहनत करते हैं और हमें चूज़ करने के लिए बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें जज करना होता है. तो यू विन सम यू लूज सम, सबको तो हम लोग इट्स नॉट ईजी टू चूज़ एवरी वन एंड एवरी पीस. नाउ हैविंग सेड दैट लेट्स टॉक अबाउट द ज्वेलरी. तो हर किसी को चूज़ करना पीस को चूज़ करना ईजी नहीं होता. तो हम वी टेक इन टू कंसिड्रेशन कि किस कैटेगरी में हम लोग जैसे कि यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं बेस्ट डायमंड ब्रेसलेट्स ऑफ द ईयर, बेस्ट डायमंड ईयर रिंग्स ऑफ द ईयर, फिर पोल की बेस्ट वर्क ज्वेलरी, जो ज्वेलरी हम लोग पहन के काम के लिए जा सकते हैं विच इज़ वेरेबल. सो कीपिंग एवरी थिंग इन माइंड देन यू हैव टू जज. तो मैंने कोशिश की है तो लेट्स होप. एंड ऑल्सो वी हैव ऑलवेज सीन यू इन अ वेरी लाइट ज्वेलरीज बट समटाइम्स ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ हैवी. बट वॉट काइंड ऑफ ज्वेलरीज डू यू पर्सनली लाइक वेरी? आई थिंक फॉर मी लेस इज मोर. आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप क्या उस वक्त कहाँ जा रहे हो और आपने क्या पहना है. अगर आपने बहुत ही मोनोटोन सिंपल जैसे एक टोन का कोई एक कलर का ड्रेस पहना है यू कैन वेयर सम नाइस. आजकल ऐसा नहीं है कि यू वेयर इंडियन ज्वेलरी और यू नो वेस्टर्न ज्वेलरी. ये ज़माना आई थिंक नाउ एवरीबडी इज़ वेयरिंग एवरीथिंग विद एवरीथिंग. सो यू कैन वेयर इंडियन ज्वेलरी विद ऑन गाउन्स ऑन वेस्टर्न क्लोदिंग एंड वाइस वर्सा. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू योर स्टाइल योर टेस्ट आपको कैसे क्या अच्छा लगता है. Today only? No, all the time. But okay. Thank you so much. Especially your earrings. Teardrop earrings. Yes. These are designed by me. Yes, these are designed by me. And these I had everybody's like I'm designed in the sense I told my jeweler this is how I want it. I drew it for him and I gave it to him. These were made when I was carrying Rihanna and I was 5 months pregnant. We have a function called for the 5th month where we have to wear everything green. Where the food is green, where what you wear is green, everything is green. We call it Patswa. Patswa manje green. So 5th month and Patswa. So and that everything. So that's when I designed it. So that, technically this is Rihanna's gift to me. मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, मैं इनकार नहीं करूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी. लेकिन ये जो मेरी पसंद है शादी से पहले इतनी नहीं थी. आई थिंक एज यू ग्रो एंड एज यू सी पीपल एंड टेस्ट वी चेंज राइट. चेंज इज कॉन्स्टेंट, इट्स इम्पेरेटिव. तो पहले मुझे ज्वेलरी ठीक है ओके. धीरे धीरे डायमंड्स एनी वेज आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स. आई थिंक वन सॉलिटेयर वन टेनिस ब्रेसलेट एंड वन क्वींस यू नो नेकलेस विद सॉलिटेयर्स इज़ अ मस्ट इन योर वार्डरोब. एंड ओवर द ईयर्स ये नहीं कि आप सब ज्वेलरी एक साथ खरीदो, वो बहुत ही कम लोग है जो ऐसे खरीद सकते हैं. बट आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वाइज व्हेन यू वेयर योर ज्वेलरी. यू हैव टू ट्रस्ट योर ज्वेलर्स एंड ओवर द इयर्स जस्ट अक्यूमुलेट यू नो कलेक्ट योर पीसेस. मस्ट की बात की है तो कोई एक ऐसी ज्वेलरी जो मस्ट है जिसे पहने बिना आप बाहर नहीं निकलती? हाँ, मेरा ये एंगेजमेंट रिंग. वेडिंग रिंग इज टू बिग एंड आई फाइंड इट टू फ्लैशी. तो आई जस्ट वेयर माई एंगेजमेंट रिंग ऑल द टाइम. ओके ईशा, मैं बहुत ही जल्द आपको बड़े पर्दे में बहुत ही जल्द देखने वाले हैं. हाँ जी. एनीथिंग यू लाइक टू शेयर अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स?
See, filhal I'm very busy with web series. That's digitalization is the new thing, and everybody is being doing that. So I'm just doing one for Balaji Alt, and they will see me as a cop after a long time. I done kya cool hai hum as Urmila Martodkar, and now and everybody has loved me, and they still remember me, and I'm so humbled when you know even the cops stop me aur mujhe bolte hain aap hamare thane kab aa rahe ho. So abhi wapas Balaji is we're doing a web series called Fixer. उसमें मैं कॉप पे प्ले कर रही हूँ जिसमें मेरा नाम जयंती जावड़ेकर है. तो फिलहाल वो है, और एक नए पोर्टल के लिए मैंने एक वेब सीरीज जस्ट शूट किया है, एंड इट्स इन द पोस्ट प्रोडक्शन स्टेजेस. फिलहाल ये है. एज फार एज मूवीज, हिंदी मूवीज़ गो, आई विल नॉट लाई, लेकिन दो तीन ऐसे स्क्रिप्ट हैं जहाँ पर मुझे थोड़ा बोला है आप प्लीज़. हाँ, जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी मैं आपका नंबर लेती हूँ, आपको फ़ोन करके बता दूँगी. थैंक यू सो मच. पहले तो मुझे ये कहना है कि आई लव ज्वेलरी. एज यू कैन सी आज मैंने मेरे ड्रेस पे ही डायमंड्स के जैसे ब्लिंक कर दिया है. ज्वेलरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज एक औरत अपने बदन को यू नो शी अडॉर्न्स हरसेल्फ विद ज्वेलरी, एंड इट एक्चुअली हाईलाइट्स दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी. लाइक इफ यू वेयर इट ऑन योर इयर्स इट हाईलाइट्स दैट, एंड एक्चुअली दीज आर सेंट्रल पॉइंट्स. सो फॉर मी आई थिंक ऑफ ज्वेलरी इन सो मेनी वेज, एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइटेरिया फॉर मी टू हाईलाइट टू जज द ज्वेलरी विल बी how well it's made, what the quality of the jewelry is, what the quality of the stones are, how even if the stones are not high quality but how they're set, so that the actual you know the it should, you wear jewelry to highlight your body, so the jewelry should be set in such a way that it highlights the stones and it highlights itself. Okay, personally in real life what kind of jewelry do you like, a lighter one or a heavier one? I like heavy jewelry. I like big. I like I don't normally wear such delicate jewelry. मैं ज़्यादातर बहुत ही बड़े बड़े pieces अच्छे लगते हैं मुझे, जो statement pieces की तरह हैं, और अभी fashion में भी statement pieces ज़्यादा चलते हैं. And I think आप उसके बीच में थोड़े elegant, real pieces डाल सकते हो, but mostly I like jewelry that stands out. But besides that, you know, is there any jewelry which you don't miss wearing it every day on your daily basis, and you don't usually go out without wearing that? I have an ohm ring. Okay. जो मैं रोज़ पहनती हूँ मेरे फिंगर पे. I think it's made with diamonds. मेरे मम्मी ने मुझे present किया था, and मैं सिर्फ event के लिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि वो कभी कभी वो suit नहीं करता है, और you know your stylist आपको अलग अलग rings देते हैं. मगर otherwise I wear it all the time. Okay, besides that, you know, Tanisha, बहुत time भी हो गया है आपको, हमने screen पर अच्छी फिल्म्स के साथ नहीं देखा है, तो when is the time when you know we आपको all... लगता है बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही हैं. आई थिंक डेफिनेटली क्वालिटी फिल्म्स अगर मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी. वेब अभी बहुत ही बड़ी जगह बन गई है. मैं फिल्म्स बनाना चाहती हूँ, तो मेरे प्रोडक्शन हाउस में होपफुली सून मैं शुरू करूँगी. मगर अदरवाइज आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट द एनवायरनमेंट. तो मेरा एनजीओ है, इट्स कॉल्ड स्टैम्प, एंड आई एम वेरी बिजी वर्किंग विथ माई एनजीओ. इट्स अबाउट प्लांटिंग ट्रीज, रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट. क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू बन गया है, और ये क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे पास सिर्फ 3 साल है. अगर हम 3 साल में कुछ नहीं करेंगे तो बॉम्बे में रहना ठीक नहीं होगा. ओके तनिषा, इसके अलावा काजल मैम का बहुत ही जल्द बर्थडे आ रहा है, और उन्होंने पर्सनली कहा है कि मैं सरप्राइज के लिए रेडी हूँ, या मॉम से हो या सिस्टर से हो. सो रियली ये मेरे मुझे पहली बार सुनाई दे रहा है. टू डेज ओ वाओ ओके नाउ आपने मुझे यू नो एक यू पुट मी इन अ जैम, क्योंकि अभी मैं क्या करूँगी. ओ नो, उसे हस्बैंड के पास से नहीं पूछा क्या, सिर्फ सिस्टर एंड मॉम को बोला क्या? ओ डैम इट, अभी मुझे सोचना पड़ेगा. रियली अभी सीरियसली मुझे कुछ सोचना पड़ेगा. आई हैव टू थिंक अबाउट इट, लेट्स सी. और इसके साथ ही बिग बॉस भी आ रहा है, जो कि अभी फिर एक बार यू नो मेरा बिग बॉस बहुत साल पहले खत्म हो गया. नहीं, बट आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सीजन एज वेल, क्योंकि यू नो बिग बॉस इस बार फिर से यू नो सेम कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ सेलिब्रिटीज होंगे. देखो तो बिग बॉस के डायरेक्टर जो है मलय, वो बहुत ही समझदार डायरेक्टर है. वो जो भी करेंगे आई थिंक ही इज गोइंग टू मेक ईच शो बहुत ही फैबुलस. जब भी उन्होंने नॉर्मल लोगों को लिया था तब
अभी भी सब लोग देख रहे थे. आई थिंक हर साल मैं सुनती हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट सीजन एवर. तो मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर है मलय, वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे. आई एम नॉट वरीड अबाउट बिग बॉस. थैंक यू सो मच.